ये देखिए, अरे इनका काम तमाम हो गया। अरे ये देखिए कितना बड़ा चूहा है। अरे इसका भी काम तमाम हो गया। ये छोटा चूहा है, छोटा चूहा है भाई। ये बिस्कुट पे पीसी हुई यूरिया क्यों डाल रहे हो? यूरिया इसलिए डालते हैं, जो किसान भाई होते हैं जो चूहों से तंग आ जाते हैं, परेशान होते हैं, उनके खेतों में चूहे लग जाते हैं, गेहूँ धान आलू में, तो एक हम एक अचूक तरीका बताने जा रहे हैं। हम चूहों को मारने का एक अचूक तरीका उपाय है, क्योंकि ये मात्र 2 रुपए का बिस्किट आता है, ये पीसी हुई यूरिया है। अच्छा, यूरिया को इस पे बिस्किट पे डालना है, वो फैला के एक जैसे कि यहाँ फेंक दिए और इसी तरह जहाँ तहाँ फेंकना है। अच्छा, तो इसे चूहे मर जाते हैं? चूहे बिल्कुल भी। तो ये आएंगे, आप कितने दिनों से कर रहे हो? हम 1 साल से करते आ रहे हैं, चूहे आएंगे ही नहीं। जो आएंगे, ये कौन सा बिस्किट है? ये पार्ले बिस्किट है। अच्छा हाँ, मात्र 2 रुपए का बिस्किट आता है। चलो, ये पीसी हुई यूरिया। हाँ, ये यूरिया है, ये पीसी हुई किसान भाइयों के लिए। हाँ, किसान, हर किसान भाइयों के वहाँ यूरिया जरूर होती है। अच्छा, तो मात्र पीसी यूरिया डाल के इस तरह। तो ये मतलब आलू में, आपके आलू में ये क्या लगे हुए हैं, चूहे क्या? हाँ, चूहे लगे थे, बहुत ज्यादा चूहे लगे थे, कल भी डाले थे हमने। हाँ, और आज भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं खाते नहीं हैं। हाँ, कुतुर देते हैं। हाँ, कुतुर के छोड़ देते हैं, कुतुर को डाल देते हैं, बर्बाद खेती बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, तो ये तरीका हम बता रहे हैं, जिसे कुछ किसान भाइयों के में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो इस मतलब चूहों से बहुत तंग आ जाते हैं। तो इसी तरह क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें मात्र 2 रुपए का बिस्किट लेना है, पास में है एक, तो मतलब चूहे मरे भी होते हैं कहीं? चूहे भी मर जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, अरे इनका काम तमाम हो गया। अरे ये देखिए कितना बड़ा चूहा है। हमने कल डाली थी। हाँ, आज इनका काम तमाम हो गया। वाह भाई वाह, बहुत अचूक उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है ये देखो। हाँ, तो जहाँ तहाँ लेनी है। हाँ, जहाँ तहाँ लेके और इसी तरह डाल के और फैला देना है इसको अच्छे से, और बस ऐसे देखो जहाँ फेंक देना। हाँ, जहाँ तहाँ फेंक देना है, बिल्कुल भी। हाँ, चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सारे चूहे जो खाएंगे वो मर जाएंगे। खाएंगे बिल्कुल तुरंत मर जाएंगे। ओ भाई, ऐसे ही फेंक देना जहाँ तहाँ। हाँ, जहाँ तहाँ 10 कदम दूर पे। हाँ, चल के फेंकना है। रुको, ये देखिए, अरे इसका भी काम तमाम हो गया। ये छोटा चूहा है, छोटा चूहा है, क्योंकि ये खाते नहीं है। हाँ, खेती बर्बाद करते हैं, मतलब चूहे फसल को कम खाते हैं, नुकसान ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि खा लिए आलू, कुतर के डाल दिए। हाँ, छोड़ देते हैं, बस इसी तरह नुकसान करते हैं। तो हम आते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये किसान भाई ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है चूहों को मारने का, जिन किसान भाइयों के खेतों में चूहे लग जाते हैं। ये देखिए बिस्कुट को अच्छे से क्या कर रहे हैं कि उस पर यूरिया लगा रहे हैं, पोत देते हैं अच्छे से, यूरिया पोत के, और ऐसे ये देखिए फेंक दिए। ऐसे ही करना है, और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, यानी कि पूरे खेत में। ये देखिए इनका आलू का खेत है, हमें ये दिखे तो हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए सब जगह पे फैला रहे हैं। पार्ले बिस्कुट है, 2 रुपए वाला भी आता है। ये देखिए वो ज्यादा महंगा भी नहीं आता है। हाँ, हर किसान भाई के वहाँ। हाँ, ये यूरिया जरूर होती है, यूरिया तो मात्र 2 रुपए का बिस्किट लेना है। हाँ, ये पार्ले बिस्कुट। इसी तरह 10-10 कदम पे, 2 कदम पे। हाँ, दूरी दूरी पे बिस्किट फेंक के। कोई दूसरा बिस्कुट होगा वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि ये मेन तो यूरिया होती है, खाएगा। हाँ, बस मर जाएगा, चूहा मर जाएगा। हाँ, धान में, गेहूं में, कहीं भी हो। हाँ, ये देखिए इस पे क्या करना है दोस्तों, देखिए बता रहे हैं इस पे बिस्कुट पे अच्छे। हाँ, से जिससे कि अच्छे से ऐसे यूरिया डालनी है। हाँ, ऐसे पोत देना है इसको, डुबा के बस दोनों साइड वो बस फेंक देना है, ऐसे फेंक देना है 10-10 कदम पे, चल। हाँ, चल के फेंक देना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त उपाय बता रहे हैं किसान भाई। ये देखिए हर थोड़ी थोड़ी देर चूहे भी मर चुके हैं, इन्होंने दिखाया 2 चूहे अभी हमने देखे। चूहे यहाँ पे मरे और सब पड़े होंगे अंदर, हमने देखा नहीं है। एक बहुत अचूक तरीका है ये चूहे मारने का। हाँ, हम कल शाम को डाले थे। अच्छा, इसी तरह। हाँ, वो आज सुबह 2 चूहे हमको मिल चुके हैं। हाँ, और बाकी मरे पड़े होंगे वो अंदर, इस दिखाई नहीं दे रहा है इस। अच्छा, पत्ते में। हाँ, हाँ, ये बहुत ही आसान तरीका है चूहे मारने का। अच्छा, चूहे पहली बात आएंगे ही नहीं। हाँ, जो आएंगे तो बिना खत्म हो जाएंगे ही नहीं। अच्छा, तो और भी चूहे मतलब बचे हैं क्या इसमें? चूहे भी कल डाले थे तो अब मर चुके हैं, अब आज डाल देंगे बस। हाँ, खत्म हो जाएंगे। दो बार डाले बस। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से घुमा कर फेंक देना है, और इन्होंने फेंक दिया। बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये आप 2 साल से कर, 1 साल से? नहीं, 1 साल से कर रहे हैं हम। अच्छा, अपनी खेती इसी तरह संभालते हैं हम। चूहे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। गन्ना और धान कोई भी फसल हो उसमें डाल, उसी तरह इसी तरह हम डाल के फेंक देते हैं, तभी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सही है। मतलब जैसे कि अभी उनका छेद, तो जैसे छेद के पास डाल दो, जैसे जो बनाते हैं ना बिल के पास डाल दो और सही रहेगा। वो तो सही रहेगा, मगर हम कहाँ इसी तरह ढूंढ। बहुत हमारे पास कम से कम 50 एकड़ खेती है हमारे पास, कहाँ हम ढूंढते रहेंगे। तो इसी तरह हम फेंक देते हैं, चूहे खा लेते हैं। वाह भाई सही है, बहुत बढ़िया उपाय। दोस्तों ये उपाय भी आप लोग आजमा सकते हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है चूहों को मारने का, खेत में लगे हुए चूहों को मारने का। ये देखिए यूरिया भी छींट देंगे, यूरिया भी फायदेमंद होता है। यूरिया हमारे खेती को नुकसान नहीं करेगी। हाँ, यूरिया तो
अपनी गर्मी बनाएगी, खेती के लिए भी फायदा करेगा, बहुत फायदेमंद है, चूहों के लिए नुकसानदायक। हाँ।